Assalamualaikum and welcome back to my YouTube family. I hope so you are doing well. और जी सब लोग बहुत ज़्यादा enjoy कर रहे हैं summer को. तो आज आपको मैं लेकर जा रही हूँ एक बहुत ही मज़े वाली जगह पर. You can see my hand. और आज मैं जा रही हूँ जी अपने नेल्स जो हैं उन पे कुछ मज़े का काम करवाने. तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से भी मैं ज़रा शेयर करूँ. और आप लोगों ने मेरा जो वीडियो है मेरी वो पूरी देखनी है ताकि तमाम वो गर्ल्स जो कि अपने नेल्स के ऊपर करवाना चाहती हैं क्या करवाना चाहती हैं वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा. तो उसके लिए आप लोगों ने पूरी वीडियो वॉच करनी है. ये मैं हूँ जी इस टाइम MM आलम रोड पे और आप देख सकते हैं कि धूप कितनी ज़्यादा है. तो जी सनब्लॉक का इस्तेमाल ज़रूर करें. और MM आलम रोड की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें पता है जी सलोन वगैरह हैं, नेल स्पा वगैरह भी बहुत ज़्यादा हैं. तो ये आपको नज़र आ रहा है जी नेल एंड स्पा बाय सना टूर. तो मैं यहाँ पर गई और मैंने कहा चलें जी चेक करते हैं कि अपने नेल्स जो हैं अपने इंसान के हाथ भी खूबसूरत लगने चाहिए. तो मैं ये जी वॉगा टावर में एंटर हो गई. एंटर होने के बाद ये शॉप्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं और ये फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है जी नेल बार बाय सना टूर. ठीक है. और अल्लाह करे इन फ्यूचर में मेरा भी सलोन ऐसा ही बहुत खूबसूरत सा हो. मुझे आप लोगों की दुआओं की बहुत सख्त ज़रूरत है. तो पूरी वीडियो को वॉच करना है, आप लोगों ने स्किप बिल्कुल नहीं करना. अच्छा जी अब नेल्स का करवाने के लिए सना टूर जो है वहाँ पर मुझे मतलब कोई इतनी अच्छी बात नहीं बनी. तो मैंने डिसाइड किया कि मेरी फ्रेंड ने नेल्स का करवाया था नेल बार बाय पिंकी से. ठीक है. और जी ये है नेल बार बाय पिंकी. ये है जी MM आलम रोड पे पिज़्ज़ा हट के ऑपोजिट. और ये मेरे नेल्स का काम होना स्टार्ट हो गया है. वीडियो को पूरा डिटेल के साथ आप लोग देखें ताकि आप लोगों को हर स्टेप जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जिसने अपने हाथों के ऊपर ये करवाना है नेल्स का. और स्पेशली पूरी वीडियो वॉच करने के बाद एंड पे जो रिजल्ट्स आएंगे तो वो आप लोग दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा. सबसे पहले जी इसमें मैं डिटेल वीडियोस भी इसलिए बनाती हूँ आपके लिए ताकि जो भी आप करवाना चाहते हैं आपको ऑलरेडी आइडिया हो कि कितना टाइम लगेगा और इसके रिजल्ट्स क्या होंगे. तो मेरा काम होना जी स्टार्ट हो गया. जो लड़की कर रही थी बहुत अच्छी थी, बहुत फाइन मेरा काम कर रही थी. और मैं इवन जब अपना काम करवा रही होती हूँ तो मैं लर्न भी कर रही होती हूँ क्योंकि फ्यूचर में अपना सलोन भी इंशाल्लाह होगा. तो मैं आपको बताऊं कि नेल्स का करवाने के लिए सबसे पहले जो नेल्स आपके ओरिजिनल होते हैं उनको बिल्कुल नेल कटर से उन्होंने मेरे कट कर दिया. देन उनके पास जो हैं वो डिफरेंट नेल्स के साइज़ के टिप्स होती हैं. उन टिप्स को वो नेल्स के आगे उन्होंने मेरे लगाया. और लगाने के बाद फिर इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपने अपने नेल्स जो हैं उनकी लेंथ कितनी रखनी है. तो मुझे जो है वो मतलब थोड़ी सी नॉर्मल लेंथ आप कहें वो अच्छी लगती है. बहुत ज़्यादा लंबे नेल्स जो हैं वो बहुत इरिटेट करती हैं. तो बहुत मज़ा आ रहा था और साथ साथ काम भी मेरा होता जा रहा था. आप मेरे नेल्स ही चेक कर सकते हैं मैंने कितने इनकी लेंथ रखवाई है. दोनों हाथों की मेरी उन्होंने नेल्स की टिप्स लगाई पहले. और टिप्स लगाने के बाद उन्होंने मेरी इनको मशीन थी उनके पास ठीक है उसके साथ इन्होंने वो ड्रिल होती है ड्रिल ठीक है कोई पेन वगैरह नहीं होती ठीक है. वो मेरी साथ साथ ये देखे ड्रिलिंग कर रही हैं. जो मेरे क्यूटिकल्स थे और क्यूटिकल्स के बाद जो टिप्स और जो आपका ओरिजिनल नेल है उनके सेंटर में एक थोड़ा सा गैप आता है उनको फाइन करने के लिए ड्रिल के साथ जो है मेरे वो क्यूटिकल्स वगैरह रिमूव कर रही हैं. और एक बहुत फाइन सा जो है वो लुक नेल्स का आना स्टार्ट हो गया था. और इस काम को करवाने पे दिल खोल के टाइम ज़रा जो है वो निकाले क्योंकि ऑलमोस्ट 2 आवर्स जो हैं वो लग जाते हैं सुकून से अगर आपने काम करवाना हो. तो ये दोनों मेरे जो नेल्स हैं उनके ऊपर टिप्स उन्होंने लगा दी. टिप्स लगाने के बाद आपको जो ये नज़र आ रही दोनों चीज़ें एक है जी एक्रेलिक पाउडर और साथ इसका जो है सॉर्ट ऑफ जिस तरह थिनर टाइप होता है ना इस तरह की कोई चीज़ थी. और अब ये
लगाना स्टार्ट करेंगी, मेरे नेल्स के ऊपर फिक्स करना स्टार्ट करेंगी। आपको मैं एक बात बता दूं, ये नेल्स जो हैं ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ्स के लिए रहते हैं आपके, लेकिन आपने इनको रीटच करवाना होता है, क्योंकि पीछे से ये नेल्स ना जब जब ग्रोथ होती है आपके नेल्स की आगे आ जाते हैं। अब ये सबसे पहले इसके ऊपर इन्होंने कोट वगैरह मेरा लगाया, अब देखें अब स्टार्ट करने लगी हैं नेल्स को किस तरह इन्होंने किया, जो वो एक सॉल्यूशन था उसमें डिप किया ब्रश को, और ये एक पाउडर होता है ठीक है, इसको पाउडर को लेकर, और इसको बोलते हैं, इसकी एक टर्म होती है बीट, पाउडर की एक बीट पकड़ी और उसको नेल्स के ऊपर प्रेस कर देते हैं। ये देखिए कितने फाइन तरीके से ये मेरे नेल्स के ऊपर इसने उस बीट को लगाया पाउडर को, और ये हाफ सेकेंड में ड्राई हो जाती है। ये देखें नेल्स की शेप जो है वो साथ साथ मेरे उस बनाती जा रही थी, बहुत फाइन सी, और ये मेरे एक फिंगर का हो गया, ये सेकंड वाले फिंगर जो है उसका मेरे एक बीट उठाई और नेल के ऊपर रखा और उसको अपवर्ड जो है उसको बहुत माइनर सा प्रेस किया और नेल की शेप बना दी। इस तरह मेरे दोनों हाथों पे इस बच्ची जो है बहुत ही कामो किस्म की बच्ची थी, और मज़े मज़े की बातें भी साथ कर रही थी और म्यूज़िक भी हम लोग इंजॉय कर रहे थे। और ये देखें कितना फाइन, अभी ये मेरे नेल्स का काम हो रहा है, जब इसकी फाइनल टच होगा तो आप लोग बहुत ही आप कहेंगे हम तो आज ही बस चलें और जाके एक्रेलिक नेल्स जो हैं वो करवा लें। तो आपको पता चल गया मैं करवा रही हूँ एक्रेलिक नेल्स। वीडियो को वॉच पूरा करें, बोर बिल्कुल नहीं होना, ताकि आपको भी कोई इवेंट हो उसमें अगर आप लोगों ने जाना हो तो हाथ आपके बहुत ब्लश करने चाहिए। और ये देखें बीट पकड़ा उसने दोबारा और अपवर्ड जो है वो बीट को लगाया, और साथ ही बिल्कुल फाइन कर देती हैं, क्योंकि अगर इसको आपने बिल्कुल साथ साथ नीच ना किया तो वो ड्राई हो जाता है। साइड से भी वो बिल्कुल मेरे करती जा रही थी, और एक टिश्यू पेपर अपने पास रखा हुआ था ताकि जो एक्रेलिक पाउडर माइनर सा ब्रश के ऊपर है वो रिमूव हो जाए। अब ये साथ साथ ड्राई होता जा रहा है और मेरी 3 फिंगर्स जो हैं उनके ऊपर नेल्स जो हैं उनका हाफ प्रोसीजर आप कहें कि हो गया, और नेल्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ब्लश 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 ब्लश, आई एम हैप्पी, माई हार्ट इज़ गार्डन गार्डन। तो आप लोग भी नेल बार बाय पिंकी पे जाकर अपने नेल्स जो हैं उनका करवा सकते हैं। बिलीव यू मी, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत ये ओवरऑल आपको मैं दिखा भी देती हूँ, इतना रश था बिलीव यू मी, और कि मुझे ऑलमोस्ट हाफ एन आवर पहले वेट करना पड़ा, देन मेरी टर्न आई और मुझे ऑलमोस्ट 2 hours लगे ये सारा काम करवाने पर। और ये मेरी लास्ट फिंगर जो है उसके ऊपर ये, और बिलीव यू मी ये बिल्कुल इरिटेट नहीं करते, आप लोग अपना काम हर काम आसानी से इन नेल्स के साथ कर सकते हैं ठीक है। और रही बात ये कि इसकी रीटच वगैरह आपको ऑलमोस्ट हर मंथ जो है वो इसमें गैप आ जाता है बेसिकली ना, जब आपकी नेल्स की ग्रोथ होती है तो उस गैप को रीफिल करवाने के लिए आपको सलोन दोबारा जाना पड़ेगा। और ये मेरी लास्ट फिंगर जो है उसके ऊपर भी एक बीट उठाई पाउडर की, और साथ ही उसने अब ये फाइनल जो है वो ये मेरे दूसरे हाथ का काम स्टार्ट हो गया ठीक है। जो टिप्स लगाई हुई थी उसके ऊपर एक कोट लगाते हैं, कोट लगाने के बाद और ये मेरे दूसरे हाथ का काम भी स्टार्ट हो गया। मैंने डिटेल वीडियो में आपको बार बार बता रही हूँ इसलिए बनाई है ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आइडिया होना चाहिए कि अगर आप लोगों ने अपने नेल्स का काम करवाना है। आज वीडियो कुछ लंबी होगी, ऑलमोस्ट 12 मिनट्स की है, तो आप लोगों ने मेरी पूरी पूरी वीडियो वॉच करनी है ताकि आप लोग बिल्कुल भी नर्वस ना हो अपना जब भी नेल्स का जो है वो काम करवाने के लिए जाएं। और इसी तरह मेरे दूसरे हाथ का भी काम हो रहा है, और मेरी आप रिंग भी ज़रा चेक कर सकते हैं, कितनी खूबसूरत सी रिंग है, वो अलग बात है कि मैं टाइम बहुत ही कम देखती हूँ इसके ऊपर। और इसके अलावा नेल्स में इतनी टाइप्स हैं कि आपने कोई डिज़ाइंस वगैरह करवाने हो, मैं ये करवा रही थी एक्रेलिक नेल्स ठीक है। इसके अलावा ओम्ब्रे होते हैं, आपने स्टोन्स वगैरह लगवाने हो, बिलीव यू मी इतना रश था ना कि मोस्टली जो ब्राइडल्स वगैरह हैं वो अपने नेल्स के ऊपर स्टोन्स वगैरह लगवा रही थी, बट मुझे वो थोड़ी एलिगेंट सी लुक जो है। इसके अलावा आप फ्रेंच नेल्स भी करवा सकते हैं, तो मेरे ये दूसरे हाथ का काम भी होता जा रहा है और मैं बहुत
खुश खुश होती जा रही थी कि चलो शुक्र है कि मेरा काम हो गया। और साथ मुझे कॉल्स भी आ रही थी कि जल्दी जल्दी काम करके वापस नीचे आ जाओ, नहीं तो बस क्या क्या हो जाएगा। तो ये देखें, मेरी सेकंड फिंगर जो है उसका काम हो रहा है। अब मेरी थर्ड फिंगर का, आप मेरे नेल्स जो हैं उसकी लेंथ भी चेक कर सकते हैं। ये एक नॉर्मल लेंथ होती है जो आपको बिल्कुल इरिटेट नहीं करती, और इन नेल्स के साथ आप अपना तमाम काम भी कर सकते हैं। और मतलब कहीं पे अगर ये नेल को मैं आपको बताऊँ जो मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आप कहीं पर हिट होता है तो फिर ये नेल जो है वो मतलब टूटता नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको एहतियात करनी चाहिए। आप अगर इन नेल्स को लॉन्ग लास्टिंग रखना चाहते हैं तो ये 6 मंथ आपके बहुत आराम से निकल जाते हैं। और ये जी एक्रेलिक पाउडर और जो उसका सोल्यूशन है उसके साथ एक कोट बेस बनती जा रही है। नीचे एक टिप की बेस तो हो गई थी, उस बेस के ऊपर अब ये एक्रेलिक पाउडर जो है उसके साथ मेरा ये तमाम नेल्स जो है उसका काम हो रहा है। और ये फिनिशिंग बहुत ज़रूरी है इन नेल्स में ना, क्योंकि फिनिशिंग के बगैर आप लोग जो हैं वो नहीं, आपके नेल्स की वो लुक ही नहीं आती। अब ये देखें, जब वो ड्राई हो गया एक्रेलिक पाउडर, अब उसको एक स्मूथ लुक देने के लिए ये सॉर्ट ऑफ एक ड्रिल थी, उस ड्रिल के साथ क्यूटिकल्स जो हैं उसको रिमूव किया और एक प्रॉपर बेस जो है वो बना दिया। बेस करने के बाद ये नेल्स को फाइल किया, फाइल करने के बाद जी ये ऊपर फाइनल कोट लग रहा है। इससे आपके नेल्स जो हैं वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं, और ये मेरे नेल्स के ऊपर प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो एक दूसरी लड़की थी उसने सारी मेरे नेल्स के ऊपर लगाई, सॉर्ट ऑफ आपका शाइनर है। अब आपको मैं इसकी एक और बात बताऊं, जब भी आप ये बेसिकली इस कोट ने प्रोटेक्ट कर दिया है आपके एक्रेलिक नेल्स को, अब आप जो भी नेल पेंट लगाएंगे तो आपके नेल्स जो हैं उसका कलर ख़राब नहीं होगा, और जब आप नेल पेंट उतारेंगे तो आपका ये शाइनर जो नेल्स के ऊपर लगा हुआ है आपके नेल्स जो है ऐसे ही रहेंगे। उसके बाद ये इस मशीन के अंदर यूवी मेरे जो वो कोट लगाया था उसको ड्राई किया, और ड्राई करने के बाद अब आपको बहुत ही मज़े का रिज़ल्ट नज़र आने लगा है। ये जी है मेरे फाइनल मेरे हाथों की लुक। तो आप लोग भी अपने नेल्स करवा सकते हैं, और मुझे कमेंट में आपने ज़रूर बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू अलॉट।